एपिसोड की शुरुआत में एम्परर रिन्यू से क्वेश्चन करता है, तुम्हें उस दिन शिवो पैलेस के पास देखा गया था तो तुम वहां क्यों गए थे? रिन्यू कहने लगा कि उसने काले कपड़े में किसी इंसान को चीवो पैलेस की तरफ जाते हुए देखा था, इसलिए वो वहां गया था और उस इंसान से लड़ते वक्त वो घायल भी हुआ। तो एम्परर उसकी चिंता जताते हुए कहते हैं, तुम घायल हुए थे तो तुम्हें पहले हमें बताना चाहिए था। इधर जिनमी सोचती है, तो जिसको मैं क्रो समझ रही थी वो क्रो नहीं, एक फीनिक्स है। तभी वहां लुयन आता है और शुफेंग को बताता है, एम्परर और एम्प्रेस आपके गायब होने का कारण रिन्यू को समझते हैं। शुफेंग ये सुनकर तुरंत पैलेस की तरफ जाता है। एम्परर शुफेंग से पूछते हैं कि तुम अब तक कहाँ थे? शुफेंग कहता है, मेरे रीबर्थ के समय मुझ पर अटैक हुआ जिससे मैं जंगलों में गिर गया, दोषी का पता लगा सकूं इसलिए मैंने कुछ समय तक वहीं रहने का सोचा। शुफेंग की माँ उससे पूछती है कि क्या तुम्हें पता चला दोषी कौन है? तो शुफेंग कहता है, अब तक नहीं पता चला, लेकिन इससे रिन्यू का कोई लेना देना नहीं है और मैं जल्दी ही असली दोषी का पता लगा लूंगा। एम्प्रेस कहती है, योर हाइनेस, अब आपको क्राउन प्रिंस का टाइटल घोषित करना चाहिए। एम्परर कहता है, क्योंकि डेमन रॉल्म हम पर अटैक करने वाले हैं तो मैं तभी टाइटल घोषित करूंगा जब शुफेंग विजय प्राप्त कर लेगा। तभी वहां उनका एक सैनिक आकर बताता है कि डेमन रॉल्म ने अपनी आर्मी को वापस लौटा लिया है, क्योंकि फायर इमॉर्टल डेमन रॉल्म जाकर उन्हें वहां डराकर आए थे। एम्प्रेस ये सुनकर खुश होती है और एम्परर से फिर कहती है कि शुफेंग ही क्राउन प्रिंस बनने लायक है। एम्परर शुफेंग से पूछता है कि उसका इस बारे में क्या सोचना है। शुफेंग कहता है, हेवन रॉल्म को बचाना मेरा कर्तव्य है, डेमन रॉल्म ने अपनी आर्मी को वापस जरूर लिया है, लेकिन मुझे लगता है वो वापस जरूर आएंगे और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं पहले युद्ध के लिए अपनी सेना को तैयार करूँ। अब शुफेंग रिन्यू का घाव ठीक करता है। रिन्यू उससे पूछता है, सब लोग मुझ पर डाउट करते हैं, लेकिन क्या तुम्हें मुझ पर बिल्कुल डाउट नहीं है? शुफेंग उससे मजाक में कहने लगता है, हाँ मैं तुम पर डाउट करता हूँ, अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रिन्यू हंसने लगता है। अब रिन्यू उससे पूछता है, उस दिन आखिर हुआ क्या था? तो शुफेंग कहता है, मुझे बस इतना याद है कि मेरे रीबर्थ के वक्त किसी आइस के टुकड़े से मुझ पर अटैक हुआ और मैं अपनी इनर एनर्जी का इस्तेमाल करके बादलों में कूद गया। शुफेंग रिन्यू से कहता है कि दोषी को ढूंढने में तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। रिन्यू कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं सच का पता लगा कर रहूंगा और अपनी बेगुनाही भी साबित करूंगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, मास मैन आकर एम्प्रेस से कहता है कि शुफेंग रिन्यू को गुनहगार नहीं मानते हैं, बल्कि वो उनका घाव ठीक करने में मदद कर रहे हैं। एम्प्रेस ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है, शुफेंग गलत लोगों से दोस्ती कर रहा है। और मास्क मैन से कहती है, तुम रिन्यू पर नजर रखना। तो गाइस, ये जो मास्क मैन है यही मुझसे है, जिसके बारे में मैंने आपको सेकंड एपिसोड में बताया था। अब ये एम्प्रेस के लिए क्यों काम करता है, इसके पीछे भी एक बहुत गहरा राज है। इधर जिनमी हेवन रेल्म में घूम रही होती है। हेवन रेल्म में लगे फ्लावर्स को देखकर उन्हें तोड़ती है, लेकिन वो फ्लावर तोड़ते ही गायब हो जाते हैं। जिनमी को लगता है कि वो फ्लावर उसकी इंसल्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल पावर्स लो हैं, इसलिए वो वहां से चली जाती है। आगे जाके वो देखती है कि एक फॉक्स वहां लेटा हुआ था। वो उस फॉक्स को टच करती है और वो मून इमॉर्टल में बदल जाता है। मून इमॉर्टल, या फिर जिसे फॉक्स फेरी भी कहते हैं, वो शुफेंग का अंकल है, जिसे आप लव गुरु भी कह सकते हैं। तो फॉक्स फेरी जिनमी से कहता है, काफी सालों बाद किसी ने मुझे छेड़ा है और हैरिस किया है। जिनमी सोचने लगती है, ये हैरिस क्या होता है? फॉक्स फेरी उससे कहने लगता है, लिटिल फेरी, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? जिनमी कहती है, मैं हाफ फेरी हूँ। फॉक्स फेरी सोचने लगता है, शायद मैं कुछ ज्यादा ही समय के लिए सो गया, हेवन में हाफ फेरी भी होने लगी। जिनमी मन में सोचने लगती है, मेरी स्पिरिचुअल पावर्स हाफ हैं, तो मैं हाफ फेरी ही हुई ना। फॉक्स फेरी उससे पूछता है, तुम शुफेंग के गार्डन में क्या कर रही हो, क्या तुम शुफेंग की हाफ फेरी हो? जिनमी कहती है, मैं उस जले हुए पक्षी की हाफ फेरी नहीं हूँ, बल्कि मैंने उसकी जान बचाई है। फॉक्स फेरी कहता है, लगता है लव स्टोरी सुनने का समय आ गया, जिनमी मुझे अपनी लव स्टोरी सुनाओ, और उसे अपने साथ ले जाता है।
इधर रिन्यू फायर बॉल को देखकर कहने लगता है कि कोई इंसान फायर और आइस दोनों ट्रिक्स एक साथ कैसे कर सकता है। ये फायर बॉल वही बॉल है जो उस काले कपड़े पहने हुए इंसान ने रिन्यू की तरफ फेंकी थी। इधर जिनमी फॉक्स फेरी को अपनी और फिनिक्स की स्टोरी सुनाने लगती है। जिनमी कहती है, वो जला हुआ फिनिक्स मेरे गार्डन में गिरा था, मैंने उसे बचाने के लिए माउथ टू माउथ ब्रीथ भी दी थी। फॉक्स फेरी कहता है, यानी तुम दोनों में बॉडी कॉन्टेक्ट भी हुआ है। फिर जिनमी कहती है, क्योंकि मैंने फिनिक्स की मदद की थी इसलिए वो मुझे यहाँ हेवन रेल्म में ले आया। फॉक्स फेरी कहता है, तो यहाँ से तुम्हारे रोमांस की शुरुआत हुई थी। शुफांग को तुमसे प्यार हो गया होगा, लेकिन बहुत दुख की बात है कि तुम एक लड़का हो। जिनमी अपने सारे बालों को ऊपर की तरफ बांध के रखती थी, इसीलिए सब उसे बॉय समझ रहे थे। जिनमी सोचने लगती है, उस जले हुए पक्षी ने कहा था कि मैं लड़की हूँ, लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं लड़का हूँ, आखिर मैं हूँ कौन? और फॉक्स फेरी जिनमी को एक रेड थ्रेड देता है और कहता है, अगर इस रेड थ्रेड को तुम शुफांग के एंकल पे बांधो तो तुम दोनों में रोमांस बढ़ने लगेगा। तभी वह शुफांग आ जाता है और अपनी एंकल के रेड थ्रेड्स दिखाते हुए कहता है, क्या आप प्लीज मेरे पैलेस की दासियों को रेड थ्रेड्स देना बंद करेंगे? जिनमी को पता चलता है कि फॉक्स फेरी शुफांग का अंकल है। अब फॉक्स फेरी जिनमी को अपने पैलेस में ले जाता है। फॉक्स फेरी के पैलेस की सारी लड़कियां जिनमी को लड़का समझकर उसे छेड़ने लगती हैं। जिनमी मून इमोर्टल के रूम में रखा एक लेटर पढ़ती है जिसमें उस लड़की ने मून इमोर्टल के लिए लिखा था कि वो उसके लिए एक अच्छा सा हस्बैंड ढूंढे जिनके बीच प्यार हमेशा बना रहे। जिनमी उस लेटर को पढ़ के कहती है, इसका मतलब क्या होता है? तो मून इमोर्टल कहता है, तुम अभी छोटी हो, शायद इसीलिए तुम्हें प्यार के बारे में नहीं पता। अब जिनमी फॉक्स फेरी से कहती है, मैं यहाँ अपनी फ्रेंड रोरो को बचाने आई हूँ, मैं किसी ऐसे मोर्टल से मिलना चाहती हूँ जिनकी स्पिरिचुअल पावर्स बहुत हाई हों। और वो प्लांट दिखाते हुए कहती है, मेरी फ्रेंड रोरो पहले एक फेरी हुआ करती थी, लेकिन फिर एक हादसा हुआ जिससे वो प्लांट फॉर्म में आ गई, मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। तो मून इमोर्टल कहता है, यहाँ हेवन में तुम्हें ऐसे काफी इमोर्टल्स मिल जाएंगे जिनकी स्पिरिचुअल पावर्स बहुत हाई हैं, और तुम यहाँ रुककर डेली स्पिरिचुअल पावर्स प्रैक्टिस करके अपनी फ्रेंड की मदद कर सकती हो। इधर शुफांग ग्रेप्स को देखते वक्त जिनमी के बारे में पूछता है, तो उसके असिस्टेंट उसे बताते हैं, आपने जैसे कहा था हमने जिनमी के रहने का वैसा ही प्रबंध कर दिया है, फिलहाल वो मून इमोर्टल के हाउस ऑफ मैरिज में रह रही है। अब जिनमी मून इमोर्टल के साथ बैठी थी और सपना देख रही थी, तभी यहाँ बीस्ट ऑफ ड्रीम आया। बीस्ट ऑफ ड्रीम किसी के भी ड्रीम को एक बबल के जरिए दिखा सकता है। जिनमी सपने में काफी सारे फ्लावर्स देख रही थी। अब जिनमी मून इमोर्टल से कहती है, मेरा काम फ्लावर्स कलेक्ट करना और उनसे हनी बनाना है, लेकिन हेवन में जो फ्लावर्स हैं, जैसे ही मैं उनको टच करती हूँ वो गायब हो जाते हैं। अब मून इमोर्टल कहता है, इसका एक कारण है, तुम फ्लावर रैम से हो फिर भी तुम्हें नहीं पता, हमारे हेवनली एम्परर ने फ्लावर गॉडेस को नाराज कर दिया था। फ्लावर गॉडेस ने हेवन के सारे फ्लावर्स को नष्ट कर दिया था, हेवन बंजर हो गया था। हेवनली एम्परर ने हेवन के कलर्स वापस लाने के लिए क्लाउड्स के जरिए फ्लावर्स बनाए। जो भी फ्लावर्स यहाँ हैं वो सब नकली हैं, जैसे ही उन्हें टच करते हैं वो वापस क्लाउड में बदल जाते हैं। जिनमी कहती है, इसका मतलब मैं यहाँ हनी नहीं बना सकती। मून इमोर्टल कहता है, तुम बेवकूफ लड़की, तुम्हें हनी की चिंता है, तुम ये सोचो कि फ्लावर गॉडेस और हेवनली एम्परर की क्या क्लासिक लव स्टोरी रही होगी। तो जिनमी कहती है, क्या उनकी लव स्टोरी से मुझे स्पिरिचुअल पावर्स मिल सकती हैं? अगर नहीं मिल सकती तो बेकार है। अमून मोटल उसे एक बुक दिखाता है जिसमें लव स्टोरीज होती हैं। जिनमी पूछती है, क्या इस लव स्टोरीज को जानने से मुझे स्पिरिचुअल पावर्स मिल सकती हैं? तो मून इमोर्टल कहता है, तुम इस बुक को ले जाओ और इसे अच्छे से पढ़ो, तुम्हें स्पिरिचुअल पावर्स लेने का तरीका जरूर मिल जाएगा। अब जिनमी रिन्यू को देखती है जो कि अपनी ट्रू फॉर्म ड्रैगन में था, लेकिन जिनमी उसको फिश समझती है। बीस्ट ऑफ ड्रीम उसके ऊपर छलांग लगाता है जिससे उसके बाल खुल जाते हैं। जिनमी रिन्यू से अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। रिन्यू को जिनमी की बातें बहुत अच्छी लगती हैं। जिनमी जाते जाते उसे एक रेड थ्रेड दे जाती है और उससे कहती है, आपके पास बीस्ट ऑफ ड्रीम है लेकिन फिर भी आप काफी लोनली लगते हैं, आप इस रेड थ्रेड को लीजिए, फ्यूचर में आप कभी भी लोनली नहीं होंगे। रिन्यू उसकी बात पर मुस्कुराने लगता है और जिनमी वहां से चली जाती है।
अब जिनमी मून इमोर्टल के हाउस ऑफ मैरिज में मैजिक के जरिए फ्लावर्स बनाकर सबको इम्प्रेस कर रही थी, तभी वह शुफेंग का असिस्टेंट आया और उससे कहने लगा, जिनमी तुम मेरे लिए फ्लावर्स का एक बुके बना दो और मैं तुम्हें ये दो एग्स दूंगा। इन एग्स को खाकर तुम्हें 300 ईयर्स की स्पिरिचुअल पावर्स मिल जाएंगी। जिनमी तुरंत उसकी बात मान जाती है, लेकिन जिनमी जैसे ही उन एग्स को खाती है उसके पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगता है। ये सुनकर शुफेंग उसे अपने पैलेस में बुलवाता है और उसे ठीक करने की कोशिश करता है। शुफेंग उससे पूछता है, तुमने क्या खाया था? तो जिनमी बता देती है, उसने दो एग्स खाए थे। शुफेंग उससे कहता है, वो एग्स नेचर में बहुत गर्म होते हैं, तुम्हारी बॉडी को केवल वाटर के द्वारा ही नरिश किया जा सकता है। तुमने उस एग्स को कैसे खा लिया? अगर मैं नहीं होता तो तुम अभी तक जल चुकी होती। जिनमी कहती है, लेकिन मैं तो एक ग्रेप हूँ ना, ग्रेप तो ग्राउंड्स में उगते हैं, तो मेरी बॉडी केवल वाटर के द्वारा ही क्यों नरिश की जा सकती है? लेकिन शुफेंग उसे डांटते हुए कहता है, 300 ईयर्स पावर्स के लिए तुम्हारी अभी जान चली जाती, अब तुम यही आराम करो और अच्छे से रिकवर करो। और अपने असिस्टेंट से बोलकर कि इसको यहाँ से कहीं जाने मत देना और कुछ भी उल्टा सीधा खाने मत देना, शुफेंग वहाँ से चला जाता है। स्नेक फेरी को पता चल जाता है कि जिनमी के साथ कुछ गलत हुआ है, क्योंकि जिनमी की मैजिकल पावर्स स्नेक फेरी के पास भी थी। तो स्नेक फेरी चिवो पैलेस की तरफ आता है। शुफेंग को पता चल जाता है कि चिवो पैलेस में कोई आया है। शुफेंग वहाँ यान्यू यानी कि स्नेक फेरी को देखता है। शुफेंग यान्यू को बाहर ले जाता है और उससे पूछता है कि वो जिनमी को कैसे जानता है, जिनमी का उससे क्या रिश्ता है और उसके अंदर से जिनमी की स्मेल क्यों आ रही है। यान्यू उसे चिढ़ाते हुए कहता है, मैं और जिनमी एक दूसरे को 1000 साल से जानते हैं और हम बहुत क्लोज हैं। तो शुफेंग कहता है, बकवास करना बंद करो और मुझे ये बताओ कि जिनमी तुम्हें अपनी मैजिकल पावर्स क्यों देती आ रही है। अब यान्यू उसे बताता है, हम दोनों में समझौता हुआ था कि हर 100वें साल जिनमी मुझे 100 ईयर्स की पावर्स देगी, इसीलिए हम दोनों एक दूसरे को काफी समय से अच्छे से जानते हैं। दोनों अंदर जिनमी के पास जाते हैं तो देखते हैं जिनमी बुरा सपना देख रही थी। यान्यू अपने म्यूजिक के जरिए उसको शांत करने की कोशिश करता है। जिनमी सपने में शुफेंग को देखती है और उसका नाम लेती है, जिससे शुफेंग मुस्कुराने लगता है। अब शुफेंग यान्यू से पूछता है, जिनमी को कितना मैजिकल पावर्स देना अभी रह गया है? यान्यू पूछता है, क्या तुम उसके बदले में मैजिकल पावर्स देना चाहते हो? तो शुफेंग कहता है, तुम्हारी खुद की पावर्स काफी हाई हैं, फिर भी तुम जिनमी से पावर्स लेते हो, यानी तुम सिर्फ उसे परेशान कर रहे हो। लेकिन अब जिनमी शिवु पैलेस में है, अब तुम उसे परेशान नहीं कर सकते। और यहीं पर एपिसोड 3 एंड हो जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।